Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 4th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा first word है resurrect. Resurrect का मतलब होता है regenerate करना या किसी चीज़ को फिर से नई बनाना, मतलब उसको पुनर्जीवित करना या रेजुवनेट करना. रेजुवनेट करना मतलब फिर से उसे एक्टिव करना, उसे फिर से नया बनाना, तो उसे कहते हैं रीजनरेट, मतलब फिर से जनरेट करना. री एनिमेट से हम याद रखेंगे, री को अलग कर देंगे और एनिमेट को अलग कर देंगे. एनिमेट से हम याद रखेंगे एनिमेशन. जो हम डेकोरेशन करते हैं या एनिमेशन करते हैं, मतलब एनिमेशन जो डेकोरेशन होता है वो एनिमेशन टाइप ही होता है, तो एनिमेशन या डेकोरेशन करते तो हम उसे री करेंगे, रिपीट करेंगे, मतलब हम फिर से उसे एनिमेट कर रहे हैं, फिर से उसे इनोवेट कर रहे हैं. रिजुवनेट का मतलब होता है रीजनरेट या फिर से री इनोवेट करना. रिसरेक्ट से हम याद रखेंगे, री को अलग कर देंगे, सरेक्ट को अलग कर देंगे. री स्टैंड्स फॉर रिपीट एंड सरेक्ट साउंड्स लाइक, हिंदी में हम बोलते हैं ना उधर सरक जाओ, उधर शिफ्ट हो जाओ, तो हम उसी से याद रखेंगे. रिपीटेडली अगर मैं किसी को शिफ्ट कर रही हूँ, सरका रही हूँ, तो उस जगह पे मुझे कोई नई चीज़ रखनी होगी, मतलब उस पर्टिकुलर जगह को जो जगह मैंने खाली की है उसे मुझे रीजनरेट करना होगा या रीएनिमेट करना होगा, दैट इज़ रिसरेक्ट. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्टर. कर्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना या किसी चीज़ को कट कर देना या डिक्रीज कर देना. तो कर्टल्स ही हम याद रखेंगे, जो हमारा पर्दा होता है विंडो पर या डोर पर, दैट इज़ कर्टल. तो उस कर्टल से हम याद रखेंगे कि कर्टल जैसे ही हम नीचे डालते हैं, मतलब कर्टल जब लगा देते हैं, तब क्या होता है, जो सनरेज घर पे आ रही होती है वो सनरेज कम हो जाती, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो जाती, इसलिए हम कर्टल लगाते. तो सनरेज को रिड्यूस करना मतलब कर्टल करना, ऐसे हम याद रखेंगे. देन ट्रिम, जो हमारी बियर्ड होती है, जो जेंट्स की बियर्ड होती है, तो वो ट्रिम करते हैं, मतलब उसे रिड्यूस करते हैं, उसे छोटा बनाते हैं शेप में लाने के लिए, तो दैट इज़ ट्रिम. उस ट्रिम से हमें याद रखना है. देन इनहिबिट, इनहिबिट से याद रखेंगे, जिस मैंने आपको बताया कि कर्टन लगाने के बाद सनरेज कम हो जाती है, तो अंदर मतलब घर के अंदर हमें हैबिट पड़ गई है कि हम कर्टन लगाए, मतलब हमें हैबिट पड़ गई है अंदर सनरेज ना आने देने की, सो दैट इज़ कर्टल. यर्निंग से हम याद रखेंगे डिज़ायर, मतलब किसी चीज़ की इच्छा जगाना. तो डिज़ायर या क्रेव मतलब होता है इच्छा जगाना. जैसे हमें किसी की याद आ रही है या पेरेंट्स की याद आ रही है, तो हम बोलते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स के लिए क्रेव कर रहे हैं, मतलब हमें बहुत याद आ रही है, इच्छा जता रहे, हम डिज़ायर जता रहे. सो यर्निंग से हम याद रखेंगे, यर्निंग साउंड्स लाइक इयर रिंग. तो इयर रिंग पहनने की किसी को इच्छा जग रही है, मतलब वो डिज़ायर जता रहा है या रही है. हंगर मतलब भूख लगना, भूख हमें तभी लगती है जब कुछ खाने की इच्छा हो, राइट. एपेटाइट से भी याद रखना है कि हमारे पेट में या आपके पेट में, आपको अलग कर देना है, एपेटाइट को अलग कर देना है, आपके पेट में डिज़ायर जग रहा है, मतलब आपको भूख लगी है, हंगर है. देन चोर से हम याद रखेंगे, चोर का मतलब होता है वर्क या फिर कोई टास्क या फिर जॉब या रूटीन. रूटीन मतलब हम उठने के बाद, सुबह उठने के बाद हमारे रोज़ के कुछ ना कुछ काम होते हैं जो फिक्स है, दैट इज़ रूटीन, मतलब हमारा वर्क. तो हम चोर से याद रखेंगे कि यहाँ पर कोई भी काम चोर नहीं है, कोई भी काम चोरी नहीं करता, काम चोरी से हम याद रखेंगे, कोई भी यहाँ पर काम चोरी नहीं करता. देन एरेंड, एरेंड से हम याद रखेंगे, एर को अलग कर देंगे और रन को अलग कर देंगे. तो एरेंड से याद रखना है कि ये रन नहीं कर रहा, मतलब वो भाग नहीं रहा है, वो काम कर रहा है, उसी से हम एरेंड याद रखेंगे. नीश, नीश से हम याद रखेंगे, नीश का मतलब होता है प्लेस, कोई जगह. तो
निश से हम याद रखेंगे कोई जगह, मतलब कोई प्लेस, तो जो जगह होती है, जैसे ये कोई पर्टिकुलर जगह है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि इस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ इस पर्टिकुलर जगह पे, मतलब नीचे बैठ जाओ। तो प्लेस जो होगी उस फ्लोर पे हम कुछ ना कुछ तो करेंगे नीचे, तो हम उसी से याद रखेंगे कोई जगह कोई प्लेस, तो उसी को हम स्लॉट भी बोलते हैं। देन 40 से हमें याद रखना है 40 लोग एक जगह पे आकर इकट्ठा हो गए कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो अब नीचे वो कुछ लोग कुछ काम करेंगे, मतलब फ्लोर पे निश, मतलब कुछ उस जगह पे काम करेंगे। गॉज, गॉज का मतलब होता है टेस्टर या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, ओके, जिससे हम मेजर करते हैं, मतलब मापक भी हम बोल सकते हैं, हिंदी में मापक कहते हैं। तो मापक मतलब इंस्ट्रूमेंट कोई, या कोई मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, और जिसे हम टेस्टर भी कहते हैं। टेस्ट मतलब ये वाला टेस्ट है, ये मतलब किसी चीज़ को मेजर करना। सो गॉज से हम याद रखेंगे, गॉज साउंड्स लाइक गैरेज, तो गैरेज में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम व्हीकल्स चेक करते हैं। देन यार्ड स्टिक से हम याद रखेंगे, किसी ने कहा अपने फ्रेंड से, यार वो स्टिक दे दो, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट दे दो, यार कोई स्टिक दे दो, तो इसी से हम याद रखेंगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट वो डिमांड कर रहा है। तो गॉड साउंड्स लाइक गैरेज, एंड गैरेज में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। देन एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का मतलब होता है टेम्पर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना या गुस्सा आना, या फिर हम हार्श भी बोलते हैं। जनरली जब हम गुस्से में रहते हैं तब हार्श ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज टेम्पर। तो टेम्पर से हम याद रखेंगे, किसी को मैंने कहा टेम्पल में जाओ, लेकिन वो एथेइस्ट है, मतलब जो भगवान को नहीं मानता या नहीं मानती, तो वो क्या हो जाएंगे, टेम्पर हो जाएंगे, टेम्पल नहीं जाएंगे तो वो टेम्पर हो जाएंगे। देन एस्पेरिटी से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर, तो जब कोई प्रॉस्पर नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एस्पेरिटी, ओके, मतलब वो हार्श हो जाएगा और सब कुछ गंवा देगा, इससे हम याद रखेंगे। तो प्रॉस्पर कोई कब होता है, जब वो काइंड होता है, वो वेलकम करता है प्रॉस्पेरिटी को, मतलब रिचनेस को। प्रॉस्परस का मतलब होता है अमीर या रिच आदमी, और एस्पेरिटी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्पर हो, जो बहुत ज़्यादा हार्श हो, गुस्सैल हो, तो एस्पेरिटी से हम याद रखेंगे प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का जस्ट अपोजिट कर देना। देन कॉलेरिक से हम याद रखेंगे, किसी को कॉलेरा हो गया है, कॉलेरा डिजीज हो गया है, और इसलिए वो भड़क रहा है या गुस्सा आ रहा है उसे। देन सेवर से हम याद रखेंगे कि सेवरिटी से याद रखेंगे, टी को अलग कर देंगे, टी साउंड्स लाइक टी ई ए टी, चाय। एंड सेवरी से हम याद रखेंगे, सेवरी साउंड्स लाइक जेवरी, जेवरात, मतलब वो ज्वेलरी, ओके, सेवरी साउंड्स लाइक ज्वेलरी, तो किसी ने जो ज्वेलरी है वो टी में डाल दी, तो गुस्सा तो आएगा ही, तो सेवरी टी मतलब ज्वेलरी टी में डाल दी, तो उसे गुस्सा आ गया। स्ट्रिंजेंसी से हम याद रखेंगे, स्ट्री, स्ट्री स्टैंड्स फॉर स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट, तो कोई जेंटलमैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जेंसी से हम याद रखेंगे, कोई जेंटलमैन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंज है, स्ट्रिक्ट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्श है। सिनिस्टर से हम याद रखेंगे, सिनिस्टर का मतलब होता है थ्रेटन, मतलब जो नुकसान दे रहा हो, नुकसान कर रहा हो, या किसी को परेशान कर रहा हो, दैट इज थ्रेटनिंग या नुकसानदायक। तो हम सिनिस्टर से याद रखेंगे कि कोई ऐसी सिस्टर है, स्टर साउंड्स लाइक सिस्टर, एंड सिनी साउंड्स लाइक जो सिन क्रिएट करती है, मतलब वो क्राइम करती है, ऐसा इन सिन मतलब क्राइम करना, कोई सिस्टर है जो हमेशा क्राइम करती रहती है, सिन करती रहती है, दैट इज थ्रेटनिंग, मिनासिंग से हम याद रखेंगे कि कोई बोल रहा है कि मैं नाश करूँगा, नेसिंग साउंड्स लाइक नाश, मतलब डिस्ट्रॉय करना, तो कोई बोल रहा है कि मैं नाश करूँगा, मतलब वो थ्रेटन करेगा। ओमिनस से याद रखेंगे, कोई
ओम जी का जाप कर रहा है, ओम भगवान जी का जाप कर रहा है, किस लिए? ताकि नाश को टाल सके। नस साउंड्स लाइक नाश, तो कोई विनाश टलने के लिए कोई ओम भगवान जी का जाप करे। देन ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब होता है फॉल्स, झूठा या नकली। तो अनफेथफुल मतलब जिस पर फेथ नहीं है, डिसलॉयल जो लॉयल नहीं है वो डिसलॉयल है, मतलब वो विश्वास पात्र नहीं है। ट्रेचरस से हम याद रखेंगे, चरस कोई एक स्मोकिंग करने वाला कुछ रहता है, चरस जो जनरली लोग होली में यूज़ करते हैं, होली के टाइम नशा करने के लिए। तो ट्री से याद रखेंगे ट्राई, तो कोई ट्राई कर रहा है कि चरस, जो चरस या गांजा होता है वो पिए या स्मोक करे। तो वो पर्सन कैसा हो सकता है जो ट्राई कर रहा है चरस लेने की, मतलब वो डिसलॉयल है या अनफेथफुल है। देन ट्रेटरस, ट्रेटरस से हम याद रखेंगे कोई ऐसा ट्रेट है उसमें, ट्रेट मतलब फैक्टर जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अस मतलब हमें कोई फैक्टर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ट्रेट ऐसा है, कोई फैक्टर ऐसा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स फॉल्स। सो ट्रेचरस से हम याद रखेंगे कोई ट्राई कर रहा है चरस यूज़ करने का, दैट इज़ फॉल्स। तो वो पर्सन फॉल्स है क्योंकि वो चुप चुप के गांजा या चरस लेने की कोशिश कर रहा है। देन स्कीजम का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना या फिर सेपरेशन मतलब सेपरेट कर देना या फिर डिसअफेक्शन। अब जिस चीज़ से अफेक्शन नहीं होगा, मतलब जिस चीज़ से प्यार नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डिसअफेक्शन होगा, मतलब हम उस चीज़ को दूर हटाएंगे, हम सेपरेट कर देंगे। स्कीजम से हम याद रखेंगे स्किन, इट साउंड्स लाइक स्किन। तो जम से हम याद रखेंगे जंग, तो हमारी स्किन पर जंग बैठ गया है और हम उसको दूर हटा रहे हैं, अगर हम उसे सेपरेट करें हमारी स्किन से, तो इट साउंड्स लाइक स्की साउंड्स लाइक स्किन एंड जम साउंड्स लाइक जंग। तो स्की जम स्किन जंग मतलब स्किन पे जो जंग है वो हम उसे सेपरेट करें। एलिनेशन, हम इसे कंसीडर करेंगे कोई अली नाम का पर्टिकुलर पर्सन है जो हाथ पर लोशन लगाया हुआ अलग कर रहा है। नेशन, नेशन को नर्स को अलग कर देना है और शन को अलग कर देना है, शन साउंड्स लाइक लोशन और नेशन कर रहा है मतलब वो वहाँ से दूर हटा रहा है, वो ना बोल रहा है लोशन को। तो कोई अली पर्सन, अली नाम का कोई पर्सन है जो कि लोशन को ना बोल रहा है, मतलब वो सेपरेट कर रहा है। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट हियर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट MBCET कोर्स फॉर टारगेट बैच 2023 व्हिच इज़ यूजफुल फॉर कैट जैट IIFT NMAT SNAP TEAS एंड CMAT फ्रॉम कमिंग 17th of July 2022। सो दोज़ हू वांट टू जॉइन दिस कोर्स प्लीज़ गो थ्रू द लिंक व्हिच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।